हेलो दोस्तों, सभी का स्वागत है मेरे चैनल बी टेक में। और आज मैं आपके लिए लाया हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि है आईआर सेंसर के बारे में। सो दोस्तों, आप सभी ने रिमोट्स तो देखे ही होंगे और उसे यूज़ भी किया होगा। सो दोस्तों, क्या आपको पता है कि वो किस चीज़ पे काम करते हैं? सो दोस्तों, वो आईआर के ऊपर काम करते हैं, इंफ्रारेड सेंसर। सो दोस्तों, जो आईआर सेंसर्स होते हैं वो लाइट इमिट करते हैं और सिग्नल देते हैं अपने रिसीवर को। जैसे कि आपने देखा होगा सेट टॉप बॉक्स, टीवी, एसी, साउंड कंट्रोलर्स को। दोस्तों, इसी के साथ साथ एक और चीज़ भी आती है कि रिमोट्स, मतलब कि इसमें कुछ एडवांटेजेस है कि ये इजीली बनता है, इजीली मतलब कि इसके डायग्राम्स बनते हैं। और इसका इसकी एक सबसे बड़ी डिसएडवांटेज ये है कि इसकी लंबी रेंज नहीं है और दीवार के आर से पार नहीं जा सकता। सो दोस्तों, आज की डेट में कुछ रिमोट्स मतलब कि थोड़े एडवांस हो चुके हैं जो कि एक दीवार से टकरा कर दूसरी दीवार, तो दोस्तों ये एक कमरे में इजीली काम कर सकता है। लेकिन दोस्तों, आज की डेट में अब एडवांसमेंट के साथ कोशिश कर रहे हैं कि जो रेडियो वेव्स या फिर ब्लूटूथ के थ्रू ही मतलब कि हम टीवी को कंट्रोल कर सकें या फिर किसी भी रिमोट वाली आइटम को कंट्रोल कर सकें। सो दोस्तों, इसी के साथ एक चीज़ और आता है कि जो हमारे पास पहले स्मार्टफोन्स होते थे उसमें इसका यूज़ बहुत होता था। सो दोस्तों, उसमें ब्लूटूथ के साथ एक ऑप्शन आता था इंफ्रारेड का, जिसके थ्रू कि हम एक चीज़ को दूसरे एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन तक एक चीज़ को इजीली पहुंचा सकते हैं उसको अटैच करके। सो दोस्तों, बाद में इसकी आज तो यूज़ ब्लूटूथ एंड एक्सेट्रा एक्सेंडर वगैरह चीज़ें आ चुकी है, लेकिन दोस्तों पहले इसका यूज़ होता था। और उसी के साथ साथ आज की डेट में जो स्मार्टफोन में इसका यूज़ होता है इंफ्रारेड का, तो दोस्तों आपने शाओमी के फ़ोन्स काफ़ी देखे होंगे जिसमें कि हम आज की डेट में कंट्रोल कर सकते हैं स्मार्टफोन्स के थ्रू ही। तो दोस्तों, आज की डेट में स्मार्टफोन्स भी काफ़ी एडवांस हो गए हैं, लेकिन दोस्तों ये कम ही फोन्स में आता है आज की डेट में, जैसे कि शाओमी। बाकी कई स्मार्टफोन्स जैसे कि सैमसंग अपने बजट रेंज में प्रोवाइड ही नहीं करती है चीज़ें जिसके थ्रू कि काफ़ी कम लेवल में इसका यूज़ होता है स्मार्टफोन्स में। लेकिन दोस्तों, आज की डेट में जो आता है इंफ्रारेड का यूज़ काफ़ी एडवांस हो चुका है। पहले ही सिर्फ और सिर्फ रिमोट के लिए यूज़ होता था, लेकिन आज की डेट में रिमोट के साथ साथ फ़ोन को भी रिमोट कंट्रोल बनाने की कोशिश की गई है ताकि फ़ोन से ही हर चीज़ कंट्रोल हो सके। सो दोस्तों, अगर आप देखते हो आज की डेट में जैसे कि जो आईआर सेंसर होता है, अगर वो आप दबाएँ जैसे कि वॉल्यूम अप बटन रिमोट में, तो दोस्तों जो उसका आगे वाला छोटी सी एलईडी लाइट होती है, अगर वो आप कैमरे के आगे लाए तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि वो ब्लिंक करेगी, वो एक पैटर्न में अपना सिग्नल टीवी तक भेजेगी और उस पैटर्न के थ्रू ही हम चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप देख सके कि देखते हैं कि ये काफ़ी एडवांस हो चुकी है जैसे कि मैं कह रहा था, लेकिन दोस्तों इसकी जगह पे आज अब ब्लूटूथ या फिर वाईफाई के थ्रू ही हम टीवी वगैरह कंट्रोल कर सकते हैं आने वाले टाइम में। दोस्तों, अगर आप देखते हैं कि जो फोन्स में प्रोवाइड होता है आईआर सेंसर, तो उसके थ्रू आप हर एक जो भी रिमोट्स का काम उसमें कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जो उसमें काम होगा वो टेम्परेरी टाइम के लिए होगा, वो एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। दोस्तों, अगर आप रिप्लेसमेंट चाहते हो तो उसके लिए आप फ़ोन का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन टेम्परेरी टाइम के लिए। दोस्तों, यहाँ पर मैंने कुछ डायग्राम दिए हैं जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए कि आईआर सेंसर क्या होता है, ये ब्रीफली रूप से जानेंगे। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं, मैं एक लिंक प्रोवाइड करूँगा जिसमें कि आप आईआर सेंसर के बारे में जान सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।